गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 47 पर पढ़ेंगे सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें क्या है, इसमें व्हेन यू, इसमें पढ़ते हैं पहले, व्हेन यू कंपेयर थ्री आर मोर पीपल आर थिंग्स यूज द सुपरलेटिव्स फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जब आप तीन या अधिक लोगों या चीजों की कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, तो इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। द सुपरलेटिव फॉर्म्स इज यूजली मेड बाई एडिंग ईएसटी टू द एडजेक्टिव। सुपरलेटिव को यूजली एडजेक्टिव के लिए ईएसटी जोड़कर बनाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। द वर्ड द इज ऑफन यूज बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द जो वर्ड है, द का यूज एडजेक्टिव से पहले अक्सर किया जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें आप कुछ रूल्स बताते हैं इसके। इसमें तीन तरीके की डिग्री हैं, पॉजिटिव और कंपरेटिव सुपरले और तीसरी है सुपरलेटिव। इसमें देखते हैं, देखिए ये सिंपल है, रोहन इज ए टॉल बॉय, रोहन एक लंबा लड़का है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें किसी से किसी की कंपेयर नहीं की गई है, सिंपल सेंटेंस है। रोहन इज टॉलर देन अंशुल, तो इसमें क्या है, इसमें इससे कंपेयर की गई है इसकी, रोहन अंशुल से लंबा है, तो इससे कंपेयर की गई है, तो कौन सी डिग्री हो गई है, कंपरेटिव डिग्री। और ये सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, रोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द बॉयज, तो क्या है, रोहन सभी लड़कों में सबसे लंबा है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो टाल में ईएसटी लगी है और इसके आगे द लगा है, तो इसकी कंपेयर सभी लड़कों से की गई है, मतलब सभी लड़कों में सबसे बड़ा है। तो इसका यही है कि इसको सिंपल सेंटेंस, इसमें ई आर यूज करते हैं क्योंकि इसकी कंपेयर की गई है, और इसमें ई एस टी और द का यूज करते हैं। अब इस प्रेजेंट टेंशन को पढ़ते हैं अपन, इसको लिटिल रेड राइडिंग हुड इज द इजिएस्ट स्टोरी बुक फॉर रीडिंग। जो लिटिल रेड राइडिंग जो हुड पढ़ने के लिए सबसे इजी कहानी स्टोरी की बुक है। नंबर टू में, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बुक इज दैट ईच स्टोरी ऑफ डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स एंड पिक्चर्स। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो प्रत्येक स्टोरी है, स्टोरी के जो शब्द हैं और इसमें क्या है, पिक्चर भी बनी हुई है, पिक्चर के साथ ये स्टोरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स अमंग द यंग चिल्ड्रन, यह छोटे बच्चों के बीच में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से, बुक में से एक है। तो इसमें इसको पढ़ लिया हमने, अब इसके क्वेश्चन आंसर। विच एडजेक्टिव, नंबर वन है, विच एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टोरी बुक। तो इसमें स्टोरी बुक में, स्टोरी बुक का जो वर्णन करने के लिए किस एडजेक्टिव जो बताया गया है इसमें, वो किस मतलब स्टोरी बुक में, स्टोरी बुक के लिए उपयोग किया गया है, यूज किया गया है, तो किसके लिए, इजिएस्ट मतलब सबसे आसान। विच इज द इजिएस्ट स्टोरी बुक फॉर रीडिंग, कौन पढ़ने के लिए सबसे आसान स्टोरी है, तो कौन सी है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। नंबर थ्री है, अमंग हुम
इज द स्टोरी बुक लिटिल रेड राइडिंग हुड पॉपुलर? किसके बीच में, जिनके बीच में ये कहानी वाली बुक जो है लिटिल रेड राइडिंग लोकप्रिय हुई थी, मतलब इसको पसंद किया था, तो किसने? यंग चिल्ड्रन ने। अब आप इसको फिल करेंगे सभी बच्चे इसको। थैंक यू एवरीवन।